रजिस्ट्रेंट एंड श्रेया, हम एमपीपीएससी 2021 मेंस एंड 2019 मेंस के लिए श्री माधव क्वेश्चन कर रहे हैं। ताकि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संचालन समिति व प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें पूछा है संचालन समिति के अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष सभी को पता ही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संचालन समिति, तो हमें सबको पता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो जो हमारी संविधान सभा है उसका संचालन करने का काम कौन करेगा? एक अध्यक्ष ही करेगा। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। ऊपर क्वेश्चन है, थ्री मार्कर है कि आप इसमें मैग्नम से मैग्नम चीजें संविधान पर लिखिए। तो संविधान क्या है? संविधान एक दस्तावेज है, एक मौलिक दस्तावेज है और किसी भी देश की सर्वोच्च विधि है। एक मौलिक दस्तावेज है और किसी भी देश की सर्वोच्च विधि है संविधान। तो एक संविधान एक ऐसा दस्तावेज है इसमें किसी भी देश को चलाने के लिए जो भी नियम होते हैं उनको लिखा जाता है। किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम होते हैं वो संविधान है। लेखा जोखा, नियमों का लेखा जोखा या दस्तावेज, वो संविधान है। और भी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, आपको जो सुटेबल लगते हैं आप उसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा। तो संविधान सभा क्या है? तो पहले तो संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर या अनुशंसा पर किया गया। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में इसका गठन किया गया। अगला, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अध्यक्ष चुने गए। इसकी पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। और दूसरी बैठक जो थी 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। और इसके कुल अधिवेशन 11। और संविधान सभा काम क्या कर रही थी? काम कर रही थी, उसका कार्य क्या था? जो संविधान का निर्माण करना, देश के लिए संविधान का निर्माण करना और उसे लागू करना, ये इसका कार्य था। तो सीधे सीधे हम इसको देखते हैं, इसका गठन कब हुआ, किसकी सिफारिश पर गठन और किसकी सिफारिश पर हुआ। इसके अध्यक्ष भी डाल सकते हैं, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। की पहली बैठक कब हुई हम ये डाल सकते हैं। और कुल अधिवेशन डाल सकते हैं ज्यादा ज्यादा, अगर डालना है तो, अगर याद है किसी को तो कुल अधिवेशन 11 हुए थे। और अगला हम डाल सकते हैं इसका कार्य क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। कार्य क्या था भाई संविधान सभा का? देश के लिए एक संविधान का निर्माण करना और इसे लागू करना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति। तो आप मुझे कमेंट बताएंगे कि कौन सा नेशनल डे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो देश के लिए संविधान का प्रारूप निर्माण करना। मतलब इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। और इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है संविधान के 52वें संविधान संशोधन 92 के संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया था?
संविधान के 92 में संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया था। तो 92 में जो संविधान संशोधन था ये रिलेटेड था कि हमारे जो आठवीं अनुसूची में हमने चार लैंग्वेजेस को ऐड किया था, वो कौन कौन सी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चार लैंग्वेजेस को ऐड किया था। और कब हुआ था ये, 2003 में, मतलब कि क्या प्रावधान किया गया इसमें या क्या संशोधन किया गया, तो हमने चार लैंग्वेजेस को जोड़ा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, कब किया गया, 2003 में किया गया, और इससे संविधान में कुल भाषाएं 22 हो गई। तो इसमें हमारे पास तीन फैक्ट है, पहला देखा हुआ 2003 में, दूसरा चार लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, और किस अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में चार लैंग्वेजेस को जोड़ा गया, और अब संविधान में टोटल 22 भाषाएं होंगी राज्य भाषा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा के क्या कार्य, तो संविधान सभा का सबसे पहला कार्य देश के लिए क्या बनाना, संविधान का निर्माण करना, देश के लिए संविधान का निर्माण करना। इसके अलावा और भी कार्य थे संविधान सभा के, अब देश में उस समय कोई गवर्नमेंट को थी नहीं, देश को चलाने का भी कार्य करना, तो देश के संसद के रूप में इसमें कार्य किया। संसद क्या काम करती है, देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। हमने देखा ना कि इसका उसी समय आरबीआई के लिए भी एक्ट लेके आए हम, आरबीआई का एक्ट लेके आए, और भी कई एक्ट लेके आए हमने, योजना आयोग का भी निर्माण किया, ये संसद से जुड़े, ये तो सरकार से जुड़ा होता है योजना आयोग का निर्माण, लेकिन आरबीआई के लिए एक्ट लेके आया, और भी अन्य एक्ट हम 1950 ये पहले लेके आ चुके हैं कई एक्ट्स जो थे। तो जो है संसद एक तरह की पहली संसद के रूप में हमारे संविधान सभा ने काम किया, तो क्या पहला संविधान का निर्माण, दूसरा पहली संसद के रूप में कार्य, दूसरा अगला हमारी विदेश नीति का निर्धारण भी संविधान सभा ने नहीं किया उस दौरान, कि हमें कैसे मतलब विदेशों के साथ हमारे कैसे संबंध रहेंगे, आप सभी को पता होगा कॉमनवेल्थ, हमने कॉमनवेल्थ की सदस्यता 1948, तो ये हमारी विदेश नीति का ही तो हिस्सा है कॉमनवेल्थ की सदस्यता को लेना, है ना। तो संविधान का निर्माण किया, पहले संसद के रूप में कार्य किया, विदेश नीति का निर्धारण किया, इसके अलावा जो अन्य चीजें थी जो हमारे राष्ट्र संबंधित थी, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज को अपनाया, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चयन भी हमारी संविधान सभा ने ही किया था। उस समय तक कोई भी सरकार नहीं बनी थी हमारी, कोई भी चुनाव नहीं हो पाए, तो उसके पहले ही हमने अपने प्रेसिडेंट को चुना था, तो प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव भी संविधान सभा ने किया, और अंतरिम सरकार का गठन। तो आप अगर इसमें चार मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर 3 मार्क्स में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट हमने डाले, तो हम ये डाल सकते हैं संविधान का निर्माण करना, प्रथम संसद के रूप में कार्य करना, अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करने या गठन करना, और प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव करना, और इसके अतिरिक्त डाल सकते हैं विदेश नीति का निर्धारण करना, ये सारे काम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बी एन राव, तो बी एन राव के बारे में पूछा है यहाँ। तो बी एन राव जो है ये एक संवैधानिक सलाहकार थे हमारी संविधान सभा के, संवैधानिक वैज्ञानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। इनका संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं की, और विभिन्न देशों की जो चीजें भी हिसाब से संविधान का जो प्रारूप निर्माण में इनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। संविधान निर्माण में इनका एक, हमारे अम्बेडकर जो थे संविधान जो प्रारूप समिति उनके अध्यक्ष थे, लेकिन इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, कि अनेक देशों की यात्राएं की और वहां के संविधानों का अध्ययन किया और उनकी चीजों को हमारे संविधान में डाला गया। तो एक संवैधानिक सलाहकार थे और संविधान निर्माण में इनका योगदान था। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना के उद्देश्य, मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस प्रस्तावना के जो उद्देश्य है वो है कि देश में हम एक तरीके से ये बता रहे हैं कि हमारा संविधान क्या देगा, हमारा संविधान भारतीय नागरिकों को क्या क्या चीजें देगा। तो हमारे संविधान का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना, न्याय उपलब्ध कराना, दूसरा मतलब जो भी इसमें प्रावधान है वही तो उसका उद्देश्य है, अवसर की समानता, पहला सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है तो ये इसका एक उद्देश्य है, दूसरा पद और अवसर की समानता की बात की गई है कि पद और अवसर की समानता सभी को प्रोवाइड कराना। इसके अलावा विचार, मत, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो ये ही प्रस्तावना के उद्देश्य है। राजनीतिक और
सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, दूसरा पद और अवसर की समानता, तीसरा विचार मत विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, ये उद्देश्य हमारी प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या क्या है संविधान संशोधन, मतलब संविधान संशोधन क्या है। तो संविधान संशोधन का सबसे पहले तो प्रावधान विकसित किया गया जो अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान किया गया, और संविधान में संशोधन करना, संविधान में कुछ बदलाव करना या कुछ चीजों को जोड़ना, कुछ चीजों को घटाना, यही संविधान संशोधन है। संविधान में कोई भी तथ्य जोड़ना या घटाना संविधान संशोधन है, और इसका प्रावधान 368 में किया गया है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास, अगर ये 2019 का है तो इसमें आप और भी चीज ऐड कर सकते हो कि प्रकार कितने इसके, और इवन अगर आपके पास जगह बच्ची हो और थोड़ा सा रेंज हो वर्णों की, तो आप इसको, इसके प्रकार जो होते हैं वो तीन होते हैं, प्रकार ठीक, ये भी आप डाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो और संविधान संशोधन अधिनियम 2015 क्या संशोधन, अब क्योंकि जो 100वां संविधान संशोधन था वो किससे रिलेटेड है, तो 100वां संविधान संशोधन रिलेटेड है भारत और बांग्लादेश के बीच जो जो भूमि का समझौता था उसे संबंधित है, भूमि समझौता, भूमि सीमा समझौता से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।